नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। लद्दाख में भारत और चीन में तनाव के बीच पाकिस्तानी के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुधवार को पंजाब प्रांत में स्थित फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चीन की तीसरी पीढ़ी के मेन बैटल टैंक VT-4 के प्रदर्शन का जायजा लिया। जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रत्येक उभरती हुई चुनौती और क्षेत्रीय खतरे से निपटने के लिए तैयार है। भारत का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर अगर आंच आई तो हम इसका करारा जवाब देंगे। जनरल बाजवा ने दावा किया कि चीनी टैंक भविष्य में आक्रमक कार्रवाई में बेहद मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि चीनी टैंक दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक में से एक है। इसमें हमला करके साथ साथ सुरक्षा और बचाव के भी सभी हाईटेक उपकरण लगे हैं। जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रत्येक उभरती हुई चुनौतियों और क्षेत्रीय खतरे से निपटने के लिए तैयार है। बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जंग जैसे हालात के बीच ड्रैगन का आयरन ब्रदर पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर की तैयारी में जुट गया है। जनरल जावेद बाजवा ने पिछले दिनों अपने शीर्ष जनरलों के साथ रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय में बैठक की। इस बैठक में जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तानी सेना रणनीति और क्षेत्र हालात को ध्यान में रखते हुए जंग की अपनी पूरी तैयारी के स्तर को बढ़ा दे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा, देश के हितों के खिलाफ पाकिस्तानी विरोध तत्वों के पांचवी पीढ़ी के युद्ध कौशल और हाइब्रिड वायरफायर को देखते हुए सेना सरकार की नीतियों के साथ मिलकर देश की रक्षा करें। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने आरोप लगाया कि भारत लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और जो क्षेत्र शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। पिछले दिनों पाकिस्तान के डिफेंस डे और शहीद दिवस पर रावलपिंडी में आयोजित कार्यक्रम में जनरल बाजवा ने कहा था कि हम पांचवी पीढ़ी या हाइब्रिड का सामना कर रहे हैं। इसका उद्देश्य पाकिस्तान और सेना को बदनाम करना था तथा अव्यवस्था पैदा करना है। उन्होंने कहा, हम इस खतरे से वाकिफ है और देश की मदद से जंग की निश्चित रूप से जीतेंगे। भारत का नाम लिए बिना बाजवा ने कहा कि अगर हमारे ऊपर कोई युद्ध थोपा गया तो हम हर एक आक्रामक कार्रवाई का करारा जवाब देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।